भिन्न भिन्न पार्टियों से, कांग्रेस से आए मेरे राजू धारवाल जी, उनकी पूरी टीम, सैकड़ों कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भाई सुरेश शास्त्री जी, जेजेपी छोड़कर उनकी टीम आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार बोरा जी आज उनकी अध्यक्षता में, आज उनके नेतृत्व में भाई देवेंद्र चौधरी मेरे सीनियर डिप्टी मेयर हैं और लोकसभा का काम देख रहे हैं, देवेंद्र चौधरी जी, भाई मनोज वशिष्ठ जी, भाई रविंद्र त्यागी जी, भाई सुरेंद्र जानरा जी, भाई सुमित अरोड़ा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताएं उनके साथ आज ज्वाइनिंग की है। आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के साथ साथ मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ा देश का ये शुभ कार्यक्रम है बैसाखी के दिन, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने बल्लड़ के जो दूसरे दलों में थे, आज भगदड़ सब ने भारतीय जनता पार्टी जो इनकी शुरुआत की है, और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का जो सपना है, और जो उनका सपना नहीं लोकसभा के लोगों का जो सपना है, जिनने कहा 10 लाख पार, और उस सपना साकार होगा कि जिस तरह से हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा है, एक ही बात कहता है कि 10 लाख पार के नारे को सब मिलकर हम साकार करेंगे। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो 400 का जो नारा है, उसको भी मिलकर हम पार करेंगे कि जितनी प्रगति, जितना विकास देश का भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ, हरियाणा के और देश के इतिहास में कभी देखने को मिला नहीं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई दे, बहुत कम बार मंत्री जी जो नेता शामिल हुए हैं, कौन कौन से पार्टी से हैं, कौन क्या नाम है और उनके पास में पूरी पुरानी पार्टी में क्या पद था? राजू धारीवाल जी कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रहे थे और कांग्रेस के RW के प्रधान भी हैं, उनकी टीम के दूसरे साथी उनके लगे हैं, उनके काले जी हैं, कार्तिक जी हैं जो पदों पर रहे कांग्रेस के, उसमें विष्णु जी हैं जो उनके साथ टीम में रहे, पूर्व में रहे या पहले रहे अब तो है नहीं संगठन, और अपने हमारे शास्त्री जी हैं, सुनील शास्त्री जी हैं, अपने महामंत्री हैं JJP के, वहाँ उनकी टीम के सारे कार्यकर्ता साथी हैं और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं सब आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मंत्री जी बात करें राजू जी के साथ ज्यादातर आप युवा जुड़ा हुआ है और सैकड़ों युवा आज भाजपा में शामिल हुआ है, और राजू जी का कहना है कि इस बार पंडित मूलचंद शर्मा जी भी पहले से बहुमत लेकर आएंगे? नहीं, हमने कहा सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मेरे तो बहुत बाद में आना है। अपने जो कृष्णपाल जी के जो नारे को हम सब मिलकर लेकर चले हैं, राजू जी की भावना है, भरोसा विश्वास के उन्होंने कहा है कि लोकसभा जो कृष्णपाल जी का जो नारा 10 लाख का है और बल्लगड़ों जो 1.5 लाख पार से जीत की है, हम सब मिलकर 10 लाख और बल्लगढ़ 1.5 लाख पार, उस नारे को मिलकर साकार करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी किसको क्या मिल जाए, कौन पार्षद बन जाए, कौन मेयर बन जाए, कौन डिप्टी मेयर बन जाए, कौन MLA बन जाए, कौन सांसद बन जाए, मुख्यमंत्री प्रदेश सदस्य बन जाए, ये भारतीय जनता पार्टी वो है जो काम करता है, उसके काम के आधार पर उसको कद बढ़ता है। धारीवाल जी क्या कारण रहे आपको कांग्रेस छोड़नी पड़ी और BJP ज्वाइन करनी पड़ी है? कांग्रेस पार्टी में मैं अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा था काफी समय से। वहाँ एक तो पार्टी का कोई संगठन नहीं है, संगठन ना होने के कारण हमारे कार्यकर्ताओं जैसे छोटे कार्यकर्ताओं का कोई वहाँ वजन नहीं था किसी बात में, हमारी वहाँ कोई सेवा, कहीं कोई काम कर लिया इसके पास चले गए, उसका बुरा बन गए उसके पास चले गए, ये बड़ी दिक्कत थी कांग्रेस में। किस तरह का वजन नहीं था वहाँ? मान लो आज मांग रहे थे आप जो मिला नहीं कांग्रेस में आपको? नहीं, पार्टी में तो किसी के पास कुछ भी नहीं, जिलाध्यक्ष ना 10 साल से मुझे क्या दे देंगे वो? आपको क्या लेना था? मुझे तो ये थी पार्टी की सेवा करनी है, किस रूप से तो करूं, वहाँ तो गुटबाजी इतनी है, किसी के पास चले गए दूसरा मना कर बुरा मान जाता है, उसके पास चले गए वो बुरा मान जाते हैं। कोई जिम्मेदारी थी आप पे कांग्रेस नहीं था? मेरे पास, मैं केवल कार्यकर्ता था जी पार्टी में। आप कितने लोगों के साथ शामिल हुए हैं? ये सारा हॉल भरा हुआ है जी, ये सारा सब मैं ही लाया हूँ जी अपने साथ, भाई शास्त्री जी इनके साथ है, मेरे पास लगभग 100+
साथ ही ज्वाइन कह रहे हैं हॉल भरा हुआ है, आप ही सबको लेके आए हैं, तो जेजेपी के जो नेता आए हैं वो अकेले आए हैं? नहीं, भाई का बोल रहा हूँ मैं नाम, वो भी लाए हैं अपने साथियों के साथ। ठीक है, ठीक है सुनील जी, बीजेपी में शामिल हुए हैं, पहले कौन सी पार्टी में थे, क्या जिम्मेदारी निभा रहे थे? मैं पहले जननायक जनता पार्टी में था और जिला महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहा था। आप शामिल हुए हैं, क्या वजह रही जेजेपी छोड़ने की? जेजेपी जो छोड़ने की मेन वजह रही कि मैंने देखा कि मैं पिछले 4 साल से उनके साथ जुड़ा हुआ था और 4 साल में देखा कि मुझे किसी तरीके का कोई मान सम्मान के, जैसे पार्टी के हम कार्यकर्ता रहे, पदाधिकारी भी हैं, हमें जाना और किसी तरीके की हमारी बात को कोई तवज्जो नहीं देना। आपने जिक्र किया भी कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, आपने जेजेपी में कितनी मेहनत की है, सफलता नहीं मिली? वो तो जेजेपी की टीम ही बता पाएगी कि मैंने कितनी मेहनत की है, वो उनसे जाके पूछ लेना कि मैंने मेहनत की है या नहीं की। कितने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए? मेरी जितनी टीम है, मेरे 15-20 साथी हैं, मैं उन सबके साथ शामिल हुआ हूँ। शास्त्री जी, कोरोना काल में रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब घोटाला, जिसकी जाँच चल रही है, मुख्यमंत्री जो है के अंडर मेरा पूरा डिपार्टमेंट, वो कैसे देखते हैं? भाई देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी अपने आप देख लेंगे, अब केजरीवाल जी देख रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी अपने आप देख लेंगे, मैं क्या जवाब दूंगा इस चीज का? जिसने घोटाला किया घोटाले वाला देखेगा, मैंने थोड़ी किया था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।